टाटा नेक्सॉन ईवी का फेसलिफ्ट ऑफिशियली रिवील किया गया है। बात करें लुक्स की तो इस गाड़ी की लुक्स काफी हद तक सिमिलर है टाटा नेक्सॉन के फेसलिफ्ट के जैसे, लेकिन इस गाड़ी में थोड़े बहुत तो चेंजेस किए गए हैं। बात करें बैटरी की, इस गाड़ी में आपको दो तरह के बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले 30 किलोवाट का, जो कि लगभग 129 bhp की पावर और 215 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी लगभग 325 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि दूसरा है 40.5 किलोवाट का, जो कि लगभग 145 bhp की पावर और 215 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बैटरी पैक के साथ नेक्सॉन ईवी लगभग 465 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। बात करें फीचर्स की तो इस गाड़ी में 12 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टिंग LED DRLs, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड वगैरह वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में 3 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, क्रिएटिव, फियरलेस और एम्पावर्ड। अभी तक इस गाड़ी का प्राइस रिवील नहीं किया गया है, जो कि सितंबर 14 को होगा। तो आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज़ का एक और नया एपिसोड, चलिए आगे बढ़ते हैं। होंडा ने अपनी एलिवेट एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। ये आपको 10.99 लाख रुपए से शुरू होकर 15.99 लाख रुपए तक मिल जाता है। इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि लगभग 121 bhp की पावर और 145 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में दोनों मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एलिवेट को 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है SV, इसके ऊपर है V, फिर VX और टॉप वेरिएंट है ZX। इस गाड़ी की जो टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग है ना, वो बाकी SUVs की कंपैरिजन में काफी सस्ती है। जो लोग एक सस्ती SUV लेना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। Hyundai ने Venue और Venue N-Line में ADAS लेवल 1 को ऐड किया है। प्राइसिंग की बात करें तो Venue का ADAS वाला वेरिएंट आपको S6 ऑप्शन से मिलना शुरू होता है, जो कि लगभग 12.44 लाख रुपए से शुरू होकर 13.34 लाख रुपए तक मिलेगा, जबकि Venue N-Line के N8 वेरिएंट से ADAS को ऐड किया गया है, जो कि लगभग 12.96 लाख रुपए से शुरू होकर 13.90 लाख रुपए का मिल जाता है। इस एडिशन के बाद Venue सबसे पहली सब कॉम्पैक्ट SUV बनती है जिसमें ADAS मिल जाता है। साथ ही साथ गाड़ी के टर्बो IMT वेरिएंट्स को भी डिसकंटिन्यू किया गया है और टर्बो मैनुअल वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की ऑफिशियल बुकिंग्स को स्टार्ट किया गया है। अगर आप इस गाड़ी को बुक करना चाहते हैं तो 21,000 रुपए के टोकन अमाउंट से आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फियरलेस। बात करें प्राइस रिवील की तो नेक्सॉन ईवी की तरह इस गाड़ी का भी प्राइस रिवील सितंबर 14 को होगा, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी की जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है ना, वो गलती से टाटा मोटर्स ने लीक करी है। एक भाई साहब है दर्शन के नाम से, उन्होंने टाटा नेक्सॉन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर पूछा था कि इस गाड़ी की प्राइस क्या है, तो गलती से टाटा मोटर्स ने लिखा है इट स्टार्ट फ्रॉम 7.39 लाख रुपीस। अगर ये बात सही होगी तो ये करंट नेक्सॉन के कंपैरिजन में भी सस्ती होगी। अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि तो पुरानी वाली नेक्सॉन का बेस वेरिएंट ही लगभग 8 लाख रुपए का मिलता था, लेकिन नेक्सॉन फेसलिफ्ट का ही बेस वेरिएंट लगभग 60,000 रुपए सस्ता है इस पुरानी नेक्सॉन से, जिसमें कि आपको ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। इस हफ्ते Hyundai i20 के भी फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है। ये आपको 6.99 लाख रुपए से शुरू होकर 11.01 लाख रुपए तक मिल जाता है। इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा विद मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ऑप्शन। टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन को डिसकंटिन्यू किया गया है। इस गाड़ी के लुक्स में माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। फ्रेम प्रोफाइल की बात करें तो आपको नई तरह की ग्रिल्स मिलती है। हेडलैम्प्स और बम्पर्स को भी रीडिजाइन किया गया है। साइड प्रोफाइल में सिर्फ अलॉय व्हील्स के पैटर्न को चेंज किया गया है। रियर प्रोफाइल में सिर्फ रियर बम्पर को चेंज किया गया है। इंटीरियर में आपको डुअल टोन्स की मिलती है। दैट्स इट, Hyundai i20 फेसलिफ्ट रेडी है। बाकी इस गाड़ी में 5 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल। जीप कंपास के 4x2 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट से सितंबर 16 को लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का भी माइनर फेसलिफ्ट उसी दिन लॉन्च हो सकता है। हाल फिलहाल जीप कंपास का डीजल ऑटोमेटिक सिर्फ 4x4 में ही मिलता है। बाकी जीप कंपास में आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्पोर्ट, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड प्लस, लिमिटेड और मॉडल एस। हाल फिलहाल सिर्फ मॉडल एस में ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट स्पोर्ट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स के साथ आपको 4x2 ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी को लगभग 25-30 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। सिट्रन एक न्यू कूपे एसयूवी को लॉन्च करने वाली इंडियन मार्केट में, जो कि है सिट्रन C3X। हाल फिलहाल इस गाड़ी को स्पेन में टेस्टिंग के समय देखा गया है। डायमेंशन वाइज एक क्रेटा से सिमिलर होगी। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो C3 एयरक्रॉस वाला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगा। लगभग 2024 के मिड में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। BMW 2 सीरीज M परफॉर्मेंस एडिशन को लॉन्च किया गया है। ये आपको 46 लाख रुपए तक मिल जाता है। इस गाड़ी में ऑल ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलता है। ये एडिशन बेस्ड है इस गाड़ी के 220i M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट पर, और ये M परफॉर्मेंस एडिशन इस वेरिएंट से लगभग 50,000 रुपए ज्यादा महंगा है। MG Aster के ब्लैकस्टॉर्म एडिशन को लॉन्च किया गया है। ये आपको 14.48 लाख रुपए से शुरू होकर 15.77 लाख रुपए तक मिल जाता है। ये एडिशन बेस्ड है इस गाड़ी के स्मार्ट वेरिएंट के ऊपर, और ये एडिशन स्मार्ट वेरिएंट के कंपैरिजन में लगभग 27,000 रुपए ज्यादा महंगा है। Aster Blackstorm में फुल ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो डीलर लेवल पर आपको JBL स्पीकर्स को भी इस गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। Skoda फिर से करंट जनरेशन सुपर्ब को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले आने वाले महीनों में। अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में Skoda ने सुपर्ब को डिसकंटिन्यू किया था ES6 फेज 2 मिशन नॉर्म्स के कारण। जब इस गाड़ी को फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो ये CBU फॉर्मेट में आएगी, यानी कि इस गाड़ी को इम्पोर्ट किया जाएगा।
बाकी सुबह को सिर्फ एक मिनट में लॉन्च किया जाएगा LNK में, के कारण इस गाड़ी का प्राइस लगभग 60 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है। सिटरन अपनी अपकमिंग SUV C3 Aircross के बुकिंग्स को सितंबर 15 से स्टार्ट करने वाली है। अगर आप इस गाड़ी को बुक करना चाहते हैं तो आप बुक करा सकते हैं। इस गाड़ी का प्राइस रिवील अक्टूबर में होगा और लॉन्च के समय इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट मिलेगा विद 5-सीटर एंड 7-सीटर सीटिंग ऑप्शंस। वॉल्वो C40 रिचार्ज को 61.25 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया है। ये लगभग 4.35 लाख रुपीस ज्यादा महंगी है XC40 रिचार्ज के कंपैरिजन में। इस गाड़ी में 78 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है जो कि लगभग 408 bhp की पावर और 660 nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो चलिए अब बात करें इस हफ्ते की आखिरी न्यूज के बारे में। तो इस हफ्ते स्कोडा ने अपने SUV कुशाक और सेडान स्लाविया में कुछ न्यू वेरिएंट्स को लॉन्च किया है। कुशाक में ऑनिक्स प्लस वेरिएंट को लॉन्च किया जबकि स्लाविया में एम्बिशन प्लस। बात करें प्राइसिंग की तो कुशाक का ऑनिक्स प्लस वेरिएंट 11.59 लाख रुपीस का मिल जाता है जबकि स्लाविया का एम्बिशन प्लस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 12.49 लाख रुपीस का मिल जाता है जबकि ऑटोमेटिक में 13.79 लाख रुपीस का। कुशाक का ऑनिक्स प्लस वेरिएंट बेस्ड है ऑनिक्स वेरिएंट के ऊपर और इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स और क्रोम विंडो लाइन ज्यादा मिल जाती है ऑनिक्स वेरिएंट के कंपैरिजन में। स्लाविया एम्बिशन प्लस वेरिएंट बेस्ड है एम्बिशन वेरिएंट के ऊपर। बात करें फीचर्स की तो स्लाविया के एम्बिशन प्लस वेरिएंट के ग्रिल डोर्स और टेलगेट पर आपको क्रोम मिलेगा। इसके अलावा डैशकैम को भी ऐड किया गया है। इन दोनों गाड़ियों के इन वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये थी पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानियों। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।